हेलो दोस्तों, महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि आप लोग का बोर्ड के लेके। इसे देखोगे महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2022 बिग अपडेट एसएससी एचएससी एग्जाम 2B एज द पर शेड्यूल इन दिस मोड। मतलब इस तरीके से आया है, बिग अपडेट एग्जामिनेशन को लेकर आया है। इसे देखोगे आप लोग, इधर लिखा हुआ मुंबई चेयरमैन ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हाई सेकेंडरी एजुकेशन शरद गोसावी कन्फर्म दैट द महाराष्ट्र एचएससी और एसएससी एग्जाम 2022 विल बी द कंडक्ट एज पर शेड्यूल रिलीज्ड इर्लियर। मतलब जो शेड्यूल आया है उसी पे पेपर लेने के लिए शरद गोसावी है गोसवी ये आप लोगों को बोल दिए हैं। बाकी उसके बाद क्या हुआ कि द स्टेटमेंट कम विन द रूमर्स ऑफ द महाराष्ट्र बोर्ड पोस्टपोन्डिंग द महाराष्ट्र एसएससी एग्जाम 2022 एंड महाराष्ट्र एसएससी एग्जाम 2022 सर्कुलेटिंग ऑन द सोशल मीडिया। आज के डेट में ये बहुत अफवाहें आ रही हैं कि पोस्टपोन्ड हो चुका है, जो 10वीं और 12वीं का एग्जामिनेशन था वो पोस्टपोन्ड हो चुका है। बाकी ये सोशल मीडिया पे है, बाकी इस तरीके से कोई भी ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं आया है। तो आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी करते रहो, जो टाइम टेबल आया है उसी पे आप लोगों का रिलीज होगा पेपर। इसे देखोगे नीचे दिया है स्कूल एंड कॉलेज कैन बी द कंडक्ट देयर इंटरनल एग्जामिनेशन एज पर द शेड्यूल एज व्हाट इट इज द सुटेबल बट द रिटर्न एग्जाम विल बी द कंडक्ट ऑफलाइन एज पर द शेड्यूल रिलीज इर्लियर। मतलब जो शेड्यूल आया है उसी पर आप लोगों को कंडक्ट किया जाएगा आप लोग का ऑफलाइन पेपर। और उसके नीचे देखो दिया है हाउ आर द बेस्ड ऑन द सिचुएशन बिफोर द एग्जाम। मतलब जब उस समय का जिस तरीके सिचुएशन रहेगा उस तरीके से अ डिसीजन विल बी द मेड शरद गोसावी सेड। मतलब ये शरद गोसावी बोले हैं, जो महाराष्ट्र में अच्छी तरीके से पूरा एजुकेशन का है, वो बोले कि कोई भी सिचुएशन तब का हम लोग देखेंगे तब डिसीजन लेंगे। अभी जो है टाइम टेबल है उसी पे हम लोग कोशिश करेंगे, जो पेपर है उसी पे लेने के। ये आप लोग का जो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से जो अपडेट आई थी वो मैं आप लोग को बताया, महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2022 बिग अपडेट इस तरीके से आया था कि कौन सा आप लोग का अफवाह जो फैल रहे हैं कि आप लोग का पोस्टपोन्ड हो चुका है पेपर, बाकी ये सब कोई चीज पोस्टपोन्ड नहीं हुआ। तो आप लोग का महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से यही न्यूज था। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, जैसे इसी तरीके से जो न्यू अपडेट आती है महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से वो आप लोग को सबसे पहले मिल सके। थैंक यू ऑल माय फ्रेंड। इसको अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान से करके अपनी जो स्टडी का है वो आप लोग कंटिन्यू करते रहो।